असगर अली इमाम मेहदी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस। मैं मुमताज़ आलम फलाही, दिल्ली कॉरेस्पॉन्डेंट टू सर्किस डॉट नेट। अभी जो ये बटला हाउस इनकाउंटर की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसने ये खुलासा किया है कि जो लोग मरे थे बटला हाउस इनकाउंटर में, उनको गोलियां तो लगी, साथ साथ उन्हें मारा पीटा भी गया था। तो जमीयत मुस्लिम कम्युनिटी के एक रहनुमा की हैसियत से क्या आप मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से कि वो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करे? हम लोग अवले दिन से सारी मुस्लिम तंजीमें और गैर मुस्लिम इंसाफ पसंद भाई जो इंसानियत से ताल्लुक़ रखते हैं और हमदर्दी है मुल्क मिल्लत से, वो उन सब का मुतालबा अवले दिन से है कि ये मामला जब मशकूक है तो उस सिलसिले में इंक्वायरी ज़रूर कराई जाए ताकि आवाम के जहन से भावनाएँ कम हों और एक एतमाद बहाल हो, और अगर इन काउंटर में किसी तरह की धांधली हुई है तो वो मंजर आम पर आए और हकीकत है तो वो भी साफ साफ सामने आ जाए। इस पोस्टमार्टम के जरिए से जो हकायक आए हैं उससे और ज़्यादा ये मौक़द होता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट इन सारे हकायक के बावजूद भी इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं हो रही है? रमूज़ ममलकत खेश खुसरोमा दानंद, हुकूमत के लोग किन मसलहत के तहत या क्या मसाइल हैं उसका जवाब वो खुद देंगे, लेकिन बहरहाल मुस्लिम तंजीमों का और इंसानी और फलाही इदारों का ये मुतालबा बहरहाल है कि इंक्वायरी हो, इससे हुकूमत की छवि भी बहुत अच्छी होगी। शुक्रिया।